बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम मेरे भाइयों और बहनों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शब कदर के नवाफिल के बारे में बताने लगा हूँ, जिनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। अगर ये पढ़ लिए जाएँ तो अगले पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। सुबहानअल्लाह। हज़रत सैयदना इस्माईल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह रिवायत नकल करते हैं कि जो शब कदर में इखलास की नीयत से नवाफिल पढ़ेगा उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। सुबहानअल्लाह। और उसके अलावा शब कदर को 4 रकात नफिल इस तरह पढ़ें कि हर रकात में अलहम्द शरीफ के बाद सूरह तकासुर 1 मरतबा और कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा पढ़ें तो मौत की सख्तियों में आसानी होगी और अजाब कब्र से महफूज रहेगा वो बंदा। सुबहानअल्लाह। बहुत ही मुख्तसर से नवाफिल हैं, हमने कोशिश करनी है कि शब कदर को ये नवाफिल लाजमी अदा करना है। अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारी है। हमें इजाज़त मिलती है एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।